हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ौके कबूतर परवरी। आज मौजूद हूँ मैं उस्ताद मलिक मोकम खोकर साहब की छत के ऊपर। एक रस्म उस्तादी शागिर्दी थी, उस हवाले से एक छोटा सा इवेंट रखा हुआ था, तो हमें भी दावत थी, हम भी आए हुए हैं, तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी कवरेज भी कर लेते हैं। दो भाई हैं शेखुपुरा से, वो उस्ताद जी के स्पेशल यहाँ पर शागिर्द होने आए हैं, और बड़े उस्ताज़ कराम आज यहाँ पर मौजूद हैं इस छत पर, जिनमें उस्ताद हसन इमाम नकवी साहब हैं, उस्ताद उस्मान भट्ट साहब हैं और उस्ताद मलिक नासिर खोकर साहब हैं। कुछ दरीना शगीर्द हैं उस्ताद मलिक मोकम खोकर साहब के, उस्ताद असद साहब हैं और उस्ताद इम्तियाज़ साहब हैं। आए इन सब से आपकी गपशप करवाते हैं, थोड़ी सी इनकी राय लेते हैं, कुछ उस्ताद जी के कबूतरों का शौक़ भी करवाएंगे आपको, तो बाकी इवेंट की जो सी हैं वो थोड़ी सी झलकियाँ वो भी आपको दिखाते हैं। आ जाए जो पुराने थे उस्ताद वो तो जाके करते ही नहीं। ठीक है, ठीक है। हसन भाई आपको डिटेल बताएंगे कि सब शागिर्दी करनी बहुत मुश्किल थी। ठीक है, शागिर्द इसलिए किया जाता है कि आप अगर ये नासिर साहब हैं, अगर आप इनसे कोई चीज़ सीखते हैं तो आप इनके शागिर्द हैं। रस्म इसलिए की जाती है कि बाकायदा तौर पे वो उस्ताद की सरपरस्ती में आ गया, और जब वो शौक करते हैं तो वो हर जो अच्छा शौकीन है वो दूसरे को ये ज़रूर सवाल करता है कि आप शागिर्द किसके हैं, किस दफ़ से ताल्लुक़ रखते हैं, जो नॉलेज रखता है। मतलब आज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज माशाल्लाह जी बहुत अच्छा फंक्शन हुआ है, अल्लाह पाक ऐसे बरकतें डालता रहे हमारे बसों की फैमिली में। हाँ, गेट टुगेदर अच्छा हुआ है, सब लोग अच्छे बिल्कुल। मैं यही कहने लगा था मोकम भाई के बारे में, कुछ चंद लफ्ज कह दे आप। मेरा भाई है छोटा, तो उनके पास माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर है, बहुत समझदार है, और माशाल्लाह ये बहुत कबूतर को गरीब विधि से देते हैं। माशाल्लाह इनको सारे कबूतरों के बारे में उनका जो भी फर्क होती है इंसान में, वो इनको मुकम्मल फर्क है। अपने शिगिर्दों की और दोस्तों की कलेक्शन भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल, आमीन। इनके पुत्रों में, इनके दोस्तों में, इनके शिगिर्दों में, बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब छोटा सा था ना, मतलब जब मेरा शौक का स्टार्ट, हाँ जी, रोज हसन भाई के पास सुबह मैंने चले जाना। अच्छा, हम दोनों उन्हें कर करके फोटो डालते और फिर इनसे सवाल जवाब करने। दरीना शगफ है आपका कबूतर परवरी, बहुत कुछ सीखा है। मुझे तो बड़ी अच्छा फिर लग रहा है ये सुन के, इतना पुराना है और अभी भी आप साथ बैठे हैं, अल्लाह ताला ऐसे ही रखे आपके साथ। और सारा शौक तकरीबन इन्हीं से सीखा। अच्छा, माशाल्लाह। अभी भी कभी जोड़े लगवाने हो तो भाई अच्छा चले चल, मजीद आगे थोड़ी सी राय ले लेंगे जी। उस्ताद उस्मान भट्ट साहब बैठे हुए हैं, सब थोड़ा सा आज के हवाले से कैसा लगा आपको, कैसा महसूस किया है? हमारा तो ये कर रही है। अच्छा, हमारे तो फैमिली का अंदर ना, हम तो बचपन से ही करते हैं माशाल्लाह। हसन इमाम नकवी साहब का शागिर्द हूँ मैं, मुंबई का। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बचपन से ही मैं इनसे ही कबूतरबाजी जो है ना वो सीखी है, और इन्हीं के साथ की है माशाल्लाह। तो इन्हीं से सब कुछ हमने सीखा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। जो लोग आप चीज़ें बताते हैं इन्होंने हमें 25-30 साल पहले बताया। अच्छा, ये आपने एक क्वेश्चन जो रिवायती तौर पे किया जाता है इस रस्म पे, उसका जवाब आपने मेरे कहे बगैर ही दे दिए कि उस्ताद का क्या फ़ायदा होता है, उस्ताद का क्या, उस्तादी शागिर्दी का क्या होता है, वो आप बता रहे हैं कि उस्ताद बेसिकली बाप होता है, बाप की विरासत जो होती है ना वो शागिर्द का एक हक होता है। क्या बात, तो उस बाप का फ़ायदा ही नहीं जो अपने शागिर्द को जो है ना अपना नॉलेज आगे कन्वे ना करे, तो इन्होंने मेरे बाप की तरह सब कुछ दिया और हमारे वाले साहब की तरह माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हर उस्ताद को चाहिए कि वो अपने शागिर्द को ना ताकत भी दे और दाना पानी भी बताए, बताना चाहिए, क्योंकि वो उसके शागिर्द ना उसका बेटा है, बिल्कुल आगे से उसने उसको लेके चलना है उसके नाम को। बिल्कुल, साथ में आपने जो बात बता दी कि 25 साल आ गई हैं आप, जो लोग आप बता रहे हैं उस्तादी शागिर्दी का सबसे बड़ा फायदा, अच्छा उस्ताद अगर पकड़ा हो तो आपको आने वाले टाइम से भी आगाह कर देता। लोग कहते हैं कि हम उस्ताद के बगैर ही सीख रहे हैं, वो कभी भी नहीं सीख सकते। बिल्कुल, उस्ताद ने जो आपको बैठ के अपनी शख्सियत के साथ चीज अदा करनी है, बिल्कुल अदा करना होता है, बिल्कुल उसका एहसान होता है अपने शागिर्द के ऊपर चीज देना, उस पर इंसान की जो शख्सियत है उस पर निखार आता है। क्या बात, बगैर उस्तादी के आप कुछ भी सीख लें उसका फायदा नहीं आपको। सही सही, तो
तो मेरी सारे उस्तादों शागिर्दों को ये है कि एक दूसरे को जो है ना दिल बांटे, ना कि उसको अपने साथ लेके चले जाए। तो हम हसन भाई के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इस लाइक बनाया कि आज हम भी किसी को कुछ बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान भाई। और मौका भाई के कबूतर तो पूरी दुनिया को पता अच्छे हैं बिल्कुल, और माशाल्लाह बड़े काबिल उस्ताद हैं, नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो शागिर्द जो उनसे आपके हुए उनका भी थोड़ा सा बता दें, कहाँ से हैं और कहाँ से बिलोंग हैं? ये जी शान भाई हैं और तैयब भाई हैं। अच्छा, बहुत अच्छे इंसान हैं, साल हो गए उनका बड़ा अच्छा काम, रसम जो एक बनी हुई है जी, असल होता है दिल से मान, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल जी। हमारी दुआ है कि आपका ताल्लुक जो है ऐसे ही रहे, अच्छा रहे। माशाल्लाह जी, पहले भी जानते थे। अच्छा, लेकिन इनके साथ जो है ना, मतलब एक साल से जो है ना हमारा काम चल रहा है, सही, मतलब एक साल से हम उनके पास आ रहे हैं। अच्छा, तो काफ़ी सच किया इनके बारे में, अच्छे इंसान है काफ़ी ज़्यादा, बाकी सीखा भी काफ़ी कुछ इनसे, तो मोहकम भाई को ही क्यों आपने चूज किया उस शादी के लिए? दिल से अच्छी लगी। तो शौक करते हो वैसे कितनी देर हो गई आप? तकरीबन मुझे तो 7-8 साल हुए हैं, लेकिन चांद भाई को तकरीबन 25 साल हो गए। अच्छा माशाल्लाह, तो चांद भाई आप भी अभी ही शागिर्द हुए? जी, पहले किसी के शागिर्द नहीं थे? नहीं। तो कहाँ पर शौक कर रहे हैं माशाल्लाह से दोनों भाई? शेखपुरा से। दोनों शेखुपुरा से बिलोंग करते हैं? वो आगे गाँव है साथ। अच्छा माशाल्लाह, तो अब आगे प्लान है कोई बाजियाँ वगैरह कोई उड़ाने का या सिर्फ ब्रीडिंग का? सोचेंगे इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे, बहुत खुशी हुई है और मोकम भाई के साथ ऐसे ही जुड़े रहे, शौक में आपके अल्लाह ताला इजाफा करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लाल तूफान कहने, लाल परी कहने, ये भी वही ब्रीड है। ये भी वही ब्रीड है।